Hello dear students, today we are going to start my subject of classics. If you are watching this video, you have to open your book and listen to me carefully. So let's continue. So dear students, as you know that in my previous video we were studying about exercise number 6.8 and also we have completed 3 questions of this exercise, and today we are going to start question number 4. So student, question number 4 is divide by 100. Means we have to divide सम डेसिमल नंबर्स बाय 100, यानी हमें कुछ डेसिमल नंबर्स को 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है. तो कैसे डिवाइड करेंगे देखेंगे. तो यहाँ बच्चों मैंने ऑलरेडी राइट कर लिया है 6.7, जिसको हम डिवाइड करेंगे 100 से. तो इज इक्वल टू हम राइट करेंगे 6.7 अपॉन 100. ठीक है, तो बच्चों सेम मेथड है, क्योंकि अभी पिछला क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमने 10 से डिवाइड किया था. तो हम क्या करते थे कि 10 में 1 0 था, तो एक डिजिट के बाद हम पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में खिसका देते. तो ऐसे यहां पर करना है, क्योंकि यहां पर बच्चों 2 0 हो जाए, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट जो है 2 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में खिसक जाएगा. ठीक है, तो यहां पर हम कर सकते हैं 6 7, तो बच्चों पॉइंट यहां पर है, हमें खिसकाना 2 डिजिट है. तो एक तो ये हो जाएगी, एक डिजिट कम है तो 0 बढ़ा लेंगे. अब ये 2 डिजिट हम खिसका सकते हैं पॉइंट, तो पॉइंट हम यहां लगाएंगे, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा. तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.067. तो बाय डिवाइडिंग बाय 100 ऑफ 6.7 आवर आंसर विल बी 0.067. ओके स्टूडेंट्स, वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 2 इज 21.4 व्हेन 21.4 विल बी डिवाइड बाय 100, सो आंसर विल बी 20.214, यानी 0.214 हमारा आंसर होगा, क्योंकि पॉइंट यहां था, हमने 2 की वैल्यू खिसकाया, तो ये हो जाएगा 0.214. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखें. क्वेश्चन नंबर 3 है 695, बच्चे इस बार हमें 695 दिया ओनली. अब 695 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 695 अपॉन 100, जो 100 से डिवाइड करेंगे पॉइंट लगेगा 2 डिजिट के बाद, तो 6.95 हमारा हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 देख लें. क्वेश्चन नंबर 4 है 44, जब 44 को 100 से डिवाइड किया जाएगा बच्चों, तो पॉइंट लगेगा 2 डिजिट के बाद, तो हो जाएगा 0.44. ये हो गया बच्चों हमारा आंसर. उसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 डिवाइड बाय 1000. तो बच्चों इस बार हमें 1000 से डिवाइड करना है, नो प्रॉब्लम, बोल दीजिए ये भी इसी के जैसा है. तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है बच्चों 6532, और इसको डिवाइड करेंगे हम 1000 से, तो हम राइट कर सकते हैं 6532 डिवाइड बाय 1000, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, क्योंकि पॉइंट यहां पर होगा इसका, तो यहां 1 2 3 3 डिजिट के साथ जाएगा, तो 6.532 हमारा आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 है 59, तो व्हेन 59 विल बी डिवाइड बाय 1000, सो आवर आंसर विल बी 0.059. समझ में आई बात बच्चों, क्योंकि हमने 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ 2 डिजिट थी तो हमने एक 0 बढ़ाया, 0 बढ़ाकर फिर हमारी 3 डिजिट कंप्लीट हो गई है, तो हम इसके बाद पॉइंट लगा सकते हैं, तो 0.059 इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज 142, सो 142 विल बी डिवाइड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 0.142. अब बच्चे समझ ही पा रहे होंगे कैसे कर पा रहा हूँ मैं. ठीक है बच्चों, सब बच्चों को जानकारी हो गई होगी, 427 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा 0.427. एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट, वेरी इजी. आगे आता है क्वेश्चन नंबर 6 डिवाइड. अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया डिवाइड, कि डिवाइड कीजिए. जैसे डिवाइड क्या करना है, जैसे 26.8 को हमें डिवाइड करना है 2 से, 26.8 बाय 2, यानी 26.8 को हमें 2 से डिवाइड करना होगा. तो बच्चे यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हम डेसिमल नंबर को होल नंबर यानी 2 से, यानी अब हम जो है 10 100 1000 वाली सीरीज से डिवाइड नहीं करेंगे, हम कुछ अलग करेंगे. जैसे हम यहाँ 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ किस तरह से हम डिवाइड करेंगे, तो जो डिवाइड हमें करना सेम मेथड सही है, जैसे हम डिवाइड करते हुए आ रहे हैं. जैसे अगर हम 26.8 को 2 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो अपॉन में 2 राइट कर सकते हैं, तो बच्चों हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 बन जाए 2, 2 3 जाए 6, अब पॉइंट आके पॉइंट लगा दो 2 4 जाए 8. तो वही सिंपल तरीका है जिससे हम डिवाइड करते हुए आ रहे हैं, बस यहाँ पॉइंट है, तो पॉइंट जो जितने 8 के बाद उतने 8 के बाद पॉइंट लगा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. आगे चलेंगे बच्चों, अब हमें डिवाइड करना है क्वेश्चन नंबर 2 में
24.27/3, यानी 24.27 को 3 से डिवाइड करना होगा, तो हम इसको 24.27/3 राइट कर सकते हैं। अब इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 8 24, फिर पॉइंट आगे लगा दो, और 3 मुझे 2 लिया, 2 छोटा है तो एडिट और लेनी पड़ेगी, तो 2 3 9 27 होते हैं, तो 09 राइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8.09 इज आवर आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी हैव टू डिवाइड 4.24/8, सो वी कैन राइट 4.24/8। सो व्हेन वी विल डिवाइड 4.24/8, सो 8 बन जाए 8, हेयर 2 लेफ्ट, सो 24, 8 3 जाए 24, एंड आफ्टर 4 इज पॉइंट, वी कैन राइट पॉइंट, एंड इट इज 2, सो 2 इज स्मॉलर देन 8, सो वी हैव टू टेक 4 ऑल्सो, सो इट विल बी 24, सो वी हैव टू राइट 10 बिकॉज वी आर टेकिंग 2 डिजिट्स टूगेदर, सो 8 3 जाए 24, सो आवर आंसर इज 13.03। सो वेरी इजी क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज 51.2/8, सो स्टूडेंट 51.2 विल बी डिवाइड बाई 8, सो लेट्स डिवाइड 8 6 48, एंड एट 3, सो पॉइंट लगा देंगे, 32 हो गया, 8 4 जा 32, सो आवर आंसर इज 6.4। सो दिस टाइप वी कैन डिवाइड बाई 2 बाई 4 बाई एनी नंबर। ओके सो स्टूडेंट्स, वी हैव कम्प्लीटेड क्वेश्चन नंबर 6 एंड ऑल्सो वी हैव कम्प्लीटेड दिस एक्सरसाइज नंबर 6.8। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, सो कंटिन्यू योर स्टडी एंड कम्प्लीट योर इन फेयर नोटबुक। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।